ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी का आपके चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। कई बार कोई घटना अगर हमारे साथ होने वाली होती है तो उससे पहले हमें कुछ आभास होने लगता है। जब वो घटना हो जाती है तब हमें उन आभासों के बारे में पता लगता है कि मुझे कुछ होने वाला था या पहले से आभासी था। और ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आखिरकार उसके पीछे का विज्ञान क्या है और उसके पीछे का ज्योतिष क्या है और ऐसा क्यों होता है? अगर आप उस पूरे थ्योरी को समझ जाएंगे, पूरी बातों को बहुत गंभीरता से समझ जाएंगे, तो आप अपना भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर अपना ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे और आप खुद उसको समझ पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको एक सही जानकारी देना है जिससे कि आपको कभी भी जीवन में इस तरह की परेशानी ना आए। दोस्तों, सबसे पहली और मुख्य बात होती है कि ऐसा केवल और केवल सच्चे लोगों के साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा अनुभव हो रहा है या आप ऐसे आभासों को आप समझ रहे हैं या ऐसे आभास आप महसूस कर रहे हैं या ऐसे संकेत आपको मिलते हैं, तो ये पहला संकेत है कि आप वाकई में दिल से अच्छे इंसान हैं। क्योंकि ये संकेत केवल अच्छे और सच्चे और ईमानदार लोगों को मिलते हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा होती उनको मिलते हैं। तो इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है हमारा विश्वास। अगर हमारा हमारे इष्ट पर पूर्ण विश्वास है तो वो जरूर आपको संकेत देंगे। अब आप कहेंगे कि हम ये कैसे पता लगा पाएं या हम ये कैसे पता करें कि हमारा इष्ट पर हमारा पूर्ण यकीन है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है जो होना ज़रूरी है कि हम हमारे इष्ट पर अनंत यकीन रखें, और वो आप रखते भी हैं, उस पर शक ना करें। कई बार हम खुद पर शक करने लग जाते हैं, हमारी योग्यताओं पर शक करने लग जाते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप अपने इष्ट पर यकीन को कम कर रहे हैं। इसलिए खुद पर यकीन रखें, अपने आत्मविश्वास को ऊपर रखें। यही एक बहुत बड़ा मंत्र है जो आपको इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से अनुभव करवा पाएगा। लेकिन इसमें आगे कुछ बात मैं बताऊं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे पहले एक निवेदन है मेरा कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आप यहाँ तक सुनते हैं वीडियो को, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, अगर जीवन में कोई तकलीफ, परेशानी, तनाव या ऐसी कोई चिंता आपको खा रही है जो बहुत दिनों से आपको दिल में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। उसका फीस लागू है दोस्तों। इसके अलावा अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है इस वीडियो की, जो सबसे मेन की वर्ड्स या की पॉइंट जिसको आपको जीवन में अपनाना चाहिए, कि जो मैंने आगे कहा उन्हें तो अपना है लेकिन उसके साथ साथ में अपने जीवन का महामृत्युंजय मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। ये मंत्र अकाट्य है, इस कलयुग का सबसे ज़्यादा चमत्कारिक और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम देने वाला मंत्र है। तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ओम नमः शिवाय।